Hello world, namaste, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna show you my new bag. Okay, जो पुराना हो गया and basically I'm going to remove it. मैं अपना bag change कर रही हूँ दूसरे bag में. तो ये है mini vest की तरफ से and I'm going straight to the bag. और ये bag कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब आप देख लेना. बहुत अच्छे से मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगी. एंड इट कैरीज अ लॉट. और अभी अमेजन पे सेल चल रही है तो ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा. एंड फॉर द प्राइस पॉइंट दिस बैग इज रियली रियली गुड. सो ब्लैबरिंग नहीं करते हैं, पहले आप बैग देखो एंड देन विल गो टू द कंक्लूजन पार्ट. सो हियर जस्ट फॉर रेफरेंस आई हैव पुट दिस HP का लैपटॉप. ये मेरा लैपटॉप है एंड इसका साइज मैं मेंशन करूँगी. एंड ये एक्चुअली में पूरा फुली कवर करता है इस बैग को. सो इफ यू आर थिंकिंग कि इतना बड़ा लैपटॉप इसमें आ जाएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा. इससे छोटा आ जाएगा, वो बहुत अच्छे से आ जाएगा. सो दिस वॉज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पज. एंड दिस इज एक्चुअली अ ह्यूज बैग. ओके, और बैग दिखाने से पहले आई विल स्टार्ट with the flaws first because I think वो बहुत important है. So you see this pattern, it is going like this. It's actually really really nice, but look at this. It is dirty, like यहाँ पे धूल मिट्टी, exact मिट्टी यहाँ पे जमा है, यहाँ जमा है. And here also, like मुझे ये constantly clean करना पड़ता है. और ऐसा नहीं है कि मैंने आज क्लीन कर दिया फिर भूल गए फिर, मतलब पीपल आर लाइक कि वो तो साफ करना ही होता है ना, आपको करना ही चाहिए भाई, करना चाहिए. बट जब आप वर्किंग करते हो ना तो डेली बेसिस पे आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहते हो. सो जस्ट लेटिंग यू नो कि ये इस तरीके से होता है. एंड वन मोर फ्लॉ इज दैट ओके, अभी ये पूरी तरीके से भरा है. एटलीस्ट इसमें आई थिंक 3.5 किलो का वजन है. ओके, सो इट्स लाइक कि मेरा तो वर्कआउट हो जाता है इसे उठा के. So you see, it collects dirt and humidity like really bad. Okay. Now the thing is, if I go like this, so you see the symmetry, or you can say कि ये जो straightness है ना इसकी, ये straightness नहीं रहती, ये थोड़ा सा ना ऐसे घुमा हुआ रहता है. Okay. अभी ये पूरा ना ऐसे देखो, ये one side पे ऐसे झुका हुआ रहता है. इसको straight रखो, it will go like this. और ये अगर आपने यू कैन सी यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे ये मतलब कॉर्नर से थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ है. एंड थोड़ा सा अगर आपने ऐसे कर दिया तो इट विल गो लाइक दिस. ओके, सो थोड़ा सा ऐसे रहता है एंड दिस लेयर्स कम्स आउट, तो ये थोड़ा सा एस्थेटिक नहीं लगता. और बट प्लस पॉइंट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बैग. ओके, अभी तक का ये मेरा स्ट्रॉन्ग बैग था जो एक्सपेंसिव टोट बैग्स में आता है, लुक्स गुड बट ये स्ट्रॉन्ग है, लिटरल स्ट्रॉन्ग है. दैट इज ऑल्सो बिकॉज जो इसका ये वाला जो इसका सिक्योर सिस्टम है ना, दैट इज रियली रियली नाइस. दिस चेन एंड दिस थिंग, दिस इज रियली रियली नाइस. इवन द स्टिचिंग इज वेरी वेरी नाइस. आई थिंक जो मैंने अभी पास में अपना मिराजो का बैग था वो एक्सपेंसिव, उसका मैंने वीडियो बनाया था. दैट बैग वॉज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग, बट जो उसका ये सिक्योर सिस्टम था हैंडल्स का वो इतना अच्छा नहीं था, वो निकल गया था. बट दिस थिंग इट इज वेरी वेरी गुड. ओके, आई हैव वन मोर फ्लॉ. अभी तक मैंने दो फ्लॉज बताए इसके, एक प्लस पॉइंट बताया, लाइक दो फ्लॉज और दो प्लस पॉइंट बताए. फर्स्ट इज कि यहाँ धूल मिट्टी जमा होती है, सेकेंड इज कि इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी डिसअलाइंड हो जाती है. एंड दो इसके प्लस पॉइंट ये थे कि ये स्ट्रांग है. ओके, स्पेसिफिकली हैंडल स्ट्रांग है, सो यू आर लाइक कि आप 5 किलो भी डाल लेना ये कहीं नहीं जाएगा. दिस इज रियली रियली स्ट्रांग एंड इट लुक्स गुड, इट एक्चुअली लुक्स गुड. ये 3 शेड्स में आता है, सो दिस लुक्स वेरी वेरी गुड. एंड देन मेजर मेजर फ्लॉ, लाइक मेजर फ्लॉ ऑफ दिस बैग इज द चेन इजंट ऑफ गुड क्वालिटी. जो ये वाली चेन है एंड यू कैन सी एंड पे ये कैसे हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ये बहुत जल्दी ख़राब हो गई, बहुत जल्दी ख़राब हो गई. एंड इवेंचुअली क्या हुआ, मैं इसको ठीक करने में ऐसे ऐसे इतना ज़ोर से किया मैंने कि वो पूरा बाहर से ऐसे निकल गया. एंड देन ये मैंने अलग से बाहर जाके स्टिच, मतलब जो बैग वैग ठीक करते हैं उनसे जाके मैंने वो 10 रुपये में जाके इसको लगवाया. एंड वो जो मेरे पास था पीछे का ऐसा लॉक होता है वो जो इसको सुंदर दिखाता है, तो वो उनके पास नहीं था. देन आई वॉज लाइक ओके कीप इट लाइक दिस. एनी वे मैं इसको चेंज करने वाली हूँ एंड आई विल बी चेंजिंग द बैग, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो.
So this is the major flaw. I don't know what is with the chains of these bags. Mirage ki bhi chain jo thi wo aise hi kharab hui thi. So let me just share with you that I have literal a lot of stuff. Like lot of stuff in my bag. पूरी तरीके से भरा है, इसके अंदर क्या नहीं है. ओके, तो मैं जस्ट क्विक आपको एक शेयर दे देती हूँ. दिस इज माई टिफिन, अभी खा लिया है मैंने इसको. दिस इज द थिंग, थोड़ा सा डर्टी है एंड ये पूरा खाली हो गया यहाँ पे. देन आई हैव अ चेन हेयर. ओके, एंड हेयर आई हैव लॉट्स ऑफ टिश्यूज, अ मास्क एंड अ हैंड सैनिटाइजर. तो ईजी क्विक रीच के लिए मैंने इसको यहाँ रखा है, क्योंकि मैं मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ तो इट कम्स हैंडी. देन देर इज नो पार्टीशन इन बिटवीन. ओके, देर इज ओनली वन सेक्शन ओवर हेयर. एंड यू कैन सी देर इज लाइक एक इन्होंने ना लैपटॉप या नोट पैड रखने के लिए इसको बनाया है. एंड देर इज अ वेलक्रो. सो यहाँ पे मैं लैपटॉप नहीं रखती, एज इज दिखाया मैंने आपको ना, वो बड़ा है तो वो इसमें नहीं आता है. एंड एनी वे मैं जो लैपटॉप है वो ऐसे बैग्स में ले जाना पसंद नहीं करती. बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली कीप इट इन. आप छोटा लेवल लैपटॉप नेटवर्क ईजी से रख सकते हो. सो आई हैव माई मैगजीन्स है, लाइक ये मेरे ऑफिस की मैगजीन है, सम पेपर्स, माई बुक, माई वॉलेट एंड सम हियर एंड देयर स्टफ. सो इट इज़ लाइक इट कैरीज अ लॉट ऑफ स्टफ, लिटरल. इट इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज mini vest. So now you actually know the bag is really, really nice. It has only two floors, three floors actually, that it collects dirt, so aapko constantly isko clean karna hai. And secondly, iska jo proportion hai wo disaligned ho jata hai thoda sa na, straightness se thoda sa disaligned rehta hai. And thirdly, chain issue. Okay, so wo aapko dhyan rakhna hai. But I'll tell you ki ye wale jo maine issue bataye ye majorly bahut sare bags ke sath rehte hain. बट जो आपको नहीं मिलता है ना, वो होती है स्ट्रांगनेस. ओके, मैंने महंगे महंगे बैग्स भी यूज़ कर लिए हैं, मैंने सस्ते बैग्स भी यूज़ किए, लाइक अफोर्डेबल कैटेगरी. बट व्हाट आई हैव सीन इज कि बैग्स के हैंडल सबसे पहले टूटते हैं. अगर आपका आप बहुत ज़्यादा हैवी कर देते हो बैग को, 3 किलो से ज़्यादा कर देते हो, जो उनकी जो स्ट्रैप्स होती है वो बाहर आ जाती है. सो उस केस में आई लिटरली लव इट. एंड आई थिंक मेरे कलेक्शन में से सब बाहर हो सकता है, ये तो नहीं होने वाला है. और मैं बस बोर हो गई हूँ और मुझे दूसरा बैग ट्राई करना है, फिर उस पर वीडियो बनानी है, तो मैं तो इसको चेंज कर रही हूँ फॉर दिस टाइम ऑब्वियसली. एंड देन मैं जो नेक्स्ट बैग है उसको रिव्यू करूंगी. बट दिस इज एक्चुअली नाइस, दिस वर्थ द प्राइस. आई थिंक दिस कम्स इन लाइक 1700 और 200 समथिंग. जब मैंने लिया था तब इतना था, अब शायद थोड़ा सा प्राइस लोअर है इसका अमेजन की सेल पे. इवन विदाउट सेल इट इज अफोर्डेबल फॉर द क्वालिटी यू आर गेटिंग एंड इट लुक्स नाइस. इसमें आपको 3 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्राउन, जो मैंने अभी लास्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग. एंड ट्रस्ट मी, सारे के सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं. मैंने ग्रीन पिक किया था. नाउ इफ यू वॉन्ट टू हैव फन देन पिक द ग्रीन कलर. बट अगर आपको शीक लुक चाहिए, यू जस्ट वॉन्ट प्रोफेशनली गुड लुकिंग बैग, देन गो फॉर द ब्राउन वन. मैंने ना मार्केट में बहुत लोगों को ये सेम बैग लेते हुए देखा है. आई हैड ग्रीन, I saw the lady that had a black bag that was looking classic, like literal classic, और उससे भी ज़्यादा classy और chic लग रहा था brown shade. Okay, so like I am confident. So if you love tan colors, go for brown. If you want to have some fun, go for green. And you're like always black kind of girl, then go for black. Okay, all are pretty colors, so you're gonna enjoy everything. And yeah. सो दिस इज इट. आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड पसंद आई होगी. पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इफ यू थिंक कुछ रह गया है इस बैग का, मुझे एक्चुअली में नाम याद नहीं है, मैं टाइटल मैंशन कर दूंगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो. एंड स्टिल यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, देन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी.
कभी कभी डिले होता है, बट मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। मैं आपको मिलूंगी किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।